वॉइस सबको क्लियर है? वॉइस सबको क्लियर वॉइस क्लियर है सबको? जी चेक करें भाई, चेक करें भाई। जी ओके। अब देखो भाई दोबारा से अब क्लियर करो, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास गिवेन है, कॉस थीटा कितना गिवेन है आपके पास 2/3, और वो ये कह रहा है एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड रो थीटा इज इन द फर्स्ट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यानी जिंदगी आसान है, यहां पर कोई ऐसा मसला नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, सही है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आपका कॉस थीटा गिवन है। ओके तो सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले हम रेडियन फंक्शन की बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रेडियन फंक्शन हमें क्या गिवेन है। हमें कॉस थीटा का मतलब है हमें एक्स गिवेन है, ठीक है बेटा? और हम अकॉर्डिंग टू रेडियन फंक्शन इसमें क्या निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू रेडियन फंक्शन, रेडियन फंक्शन हमें यह बात कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जिसमें एक्स आपको पता है आपके बार 2/3 का स्क्वायर, वाई की जगह पर वाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, वाई का मतलब है साइन थीटा आपको निकालना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9 यहां प्लस हो रहा है, वहां जाकर हो जाएगा 1 से माइनस, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, 9 का लिया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई, 9 माइनस 4 हुए 5/9, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जब हम रूट अप्लाई करेंगे तो y की डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आएगी, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, y की वैल्यू डायरेक्ट y स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5/9 पे भी रूट आएगा, तो y स्क्वायर में y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, y प्लस माइनस, अब 5 का तो रूट नहीं होता तो हम 5 तो लगाएंगे, 9 का रूट होता है 3, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंस रो थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक जो हमारा साइन थीटा होगा वो लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब काम आसान हो गया, जब हमने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली तो हमें पता चल गया हमारे साइन थीटा की वैल्यू या वाई की वैल्यू प्लस अंडर रूट 5/3 निकलनी चाहिए, और ये वैल्यू आपकी आइडेंटिफाई हो गई फर्स्ट वैल्यू, ठीक है भाई। अब हम जाएंगे बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालने के लिए। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में निकालना क्या क्या है, सबसे पहले बताएंगे हम कि हमें निकालना है अगर साइन और कॉस आ गया तो टेन थीटा निकालना है, इसके बाद कॉसेक थीटा निकालना है, इसके बाद सेक थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हम टेन थीटा की बात करें तो वो अब मैं डायरेक्ट पता ये लिख रहा हूं साइन अपॉन कॉस, जरूरी नहीं है कि आप साइन और कॉस लिखें, आप डायरेक्ट वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। वाई की जगह पर आपकी वैल्यू आई अंडर रूट 5/3 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू क्या निकली हुई थी 2/3, 3 से 3 कैंसिल, अंडर रूट 5/3 कॉसेक थीटा होता है 1/sin के बराबर, तो 5/2, ओके 5/2
ठीक है भाई। अच्छा वन अपॉन वाई का मतलब है वन अपॉन अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री, तो थ्री रेसिप्रोकल होके ऊपर चले गया, थ्री अपॉन अंडर रूट फाइव सही है। सेक थीटा होता है वन अपॉन कॉस थीटा, तो वन अपॉन एक्स की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू अपॉन थ्री, जिसमें थ्री रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा थ्री अपॉन टू। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस की वैल्यू है अंडर रूट सॉरी टू अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, टू अपॉन अंडर रूट फाइव, इसको टेबल में लिख देंगे। अब देखिए अभी मैंने डायरेक्ट काम किया है समझाते हुए मतलब, तो अब ये सवाल कितनी देर में सॉल्व हुआ है आपके सामने, 5 मिनट का सवाल है ये, इतना ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आप इसको इतना बड़ा सवाल नहीं कह सकते। हाँ लेकिन सवालों के अंदर भी एक कंडीशन होती है, अगर साइन और कॉस दिया जाए सवाल छोटा होगा, कल जब मैं तुम्हें 10 वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो वो सवाल शायद बड़ा हो जाए। 10 का मुताबिक मतलब ये कि ना तो x पता है ना तो y पता है, ना तो x पता है ना तो y पता है, x ना तो y दोनों चीजें नहीं पता, x और y ठीक है, तो दोनों को निकालेंगे पहले हम फर्दर और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो भाई इसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक, अब ये काम मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूं तो मुझे बताइए सबको क्लियर है, जल्दी से शाबाश। जो आज की क्लास का मकसद था वो सबको क्लियर है, रेडियन फंक्शन सबको क्लियर है, ओके बेटा ओके। तो मैं काम सेंड कर रहा हूं, फिर आप लोग जो है वो ग्रुप से इसको कर लीजिएगा, ठीक है भाई, लाजमी काम कर लीजिएगा, हो सकता है कि कल फिजिकल बुलाएं तो इसलिए